मॉर्निंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पैराग्राफ्स ऑफ चैप्टर 7, द 7 स्नोमैन. ओके सो चिल्ड्रन, फर्स्टली ओपन योर बुक. आर यू रेडी चिल्ड्रन? ओके, फर्स्टली चिल्ड्रन वी विल नो सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर 7, पेज नंबर 59. ओके, इनसाइड. Inside means अंदर. Company, company means साथ देना. Reeling, reeling means फड़फड़ाहट. Okay? Rush, rush means तेजी से भागना या तेजी से दौड़ना. Stranger, stranger means अजनबी. Soldier, soldier means सैनिक. Rescue, rescue means राहत. Okay children? Now children, let's start it now. Dinesh Chacha, why don't you also take a nap? Okay? I will sit inside near the window. The snowman will keep me company, said Jia. Who said? Jia said. Okay? Dinesh Chacha. Dinesh Chacha kyun kehti hai wo? Kyunki jo Dinesh tha, उसके फादर्स के क्या थे? दिनेश फादर्स के ब्रदर थे. ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिया के पापा के टू ब्रदर्स थे. ओके, दोनों का क्या नाम था? दोनों का नाम था हितेश. हितेश था, सॉरी बेटा, अखिलेश एंड दिनेश था. ओके, अखिलेश एंड दिनेश था. तो यहाँ दिनेश की बात हो रही है, तो इसलिए दिनेश को जिया क्या बोल रही है? चाचा बोल रही है. ओके, दिनेश चाचा, व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अ नैप? ओके, टेक अ नैप मींस होता है स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान थोड़ा सा सोना. ओके, तो जिया बोल रही है कि व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अ नैप, आप थोड़ा सो क्यों नहीं जाते हैं? ओके, आई विल सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठती हूँ. सॉरी, मैं अंदर की तरफ क्या करूंगी? बैठूंगी नियर द विंडो, खिड़की के पास. द स्नोमैन विल कीप मी कंपनी, सेड जिया. स्नोमैन जो है, स्नोमैन कौन से? जिनको इन्होंने बर्फ के स्नोमैन बनाए थे ना, तो कितने स्नोमैन बनाए थे? 7 स्नोमैन. ओके, तो जिया बोल रही है कि द स्नोमैन विल कीप मी कंपनी, मेरा सहयोग देंगे, मेरा साथ देंगे. कौन? स्नोमैन. कितने थे? 7 स्नोमैन. ओके, जियाज फादर वॉज द फर्स्ट टू हियर द रेलिंग साउंड. ओके, जिया फादर, जिया के जो पापा थे, उन्होंने सबसे पहले गड़गड़ाहट या सरसराहट की आवाज सुनी. जैसे हेलीकॉप्टर जब जाता है ना, तो गड़गड़ या सरसर की सरसराहट की आवाज होती है, वॉइस होती है. ओके, तो उन्होंने इस तरह की साउंडिंग सुनी. ही वॉक द अदर्स अप, उन्होंने क्या किया? सबको क्या किया? सबको उठाया. एंड दे ऑल रश्ड आउट ऑफ द ट्रैप डोर. अब ये सभी क्या किए? वे सभी जो है दौड़ते हुए, तेजी से भागते हुए ट्रैप डोर के पास आए. जिया हैड कर्ल्ड अप नियर द विंडो इन डीप स्लीप. जिया हैज कर्ल्ड अप नियर द विंडो इन डीप स्लीप. जिया जो थी वो विंडो के पास क्या कर रही थी? गहरी नींद में सोई हुई थी. ओके, नॉट अगेन, दिनेश थॉट. दिनेश सोचता है कि अब दोबारा नहीं होगा. द हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग अवे फ्रॉम देम. हेलीकॉप्टर जो है वॉज फ्लाइंग अवे, अवे उनसे जो है थोड़ा दूरी पर था. ठीक है, जिया वॉक अप टू एंड वेंट आउटसाइड. जिया भी उठी और बाहर की तरफ गई. एवरी वन वॉज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी स्काई. हर कोई खाली आसमान को क्या कर रहा था? देख रहा था. ओके, हेलो, सेड अ स्ट्रेंजर वॉइस बिहाइंड हर एंड मेड हर जंप. ओके, हेलो, हेलो मीन्स सुनिए. सेड अ स्ट्रेंजर्स वॉइस, स्ट्रेंजर्स वॉइस मीन्स होता है, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अनजान, जिनको हम लोग जानते नहीं है. ओके, बिहाइंड हर, उसके पीछे से एक आवाज आई. एंड मेड हर जंप, मेड हर जंप मीन्स जब आवाज आई तो ये क्या हुई? अचानक से
जंप हो गई। शी टर्न अराउंड, शी टर्न, टर्न मीन्स होता है अपने चारों ओर क्या हुई, वो मुड़ गई। ओके, इट कैंट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। शी टॉट, वह सोचने लगी, बट बिटवीन द स्नोमैन वेयर थ्री सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी। ओके, बट बिटवीन, जो स्नोमैन बाहर की साइड में स्नोमैन जो बनाए थे ना, तो उसके बीच में क्या थे, थ्री इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के, भारतीय इंडियन के क्या थे, तीन आर्मी थे। ओके, आर्मी में होता है सैनिक। किसके बीच में थे, जो सेवन स्नोमैन थे, बर्फ के जो स्नोमैन बनाए गए थे उनके बीच में थे। दिस वॉज द रेस्क्यू टीम लुकिंग फॉर सेवन पीपल। ठीक है, दिस वॉज, ये क्या थी, ये रेस्क्यू टीम थी, यानी कि बचाव टीम थी, लुकिंग फॉर सेवन पीपल, सात लोगों की तलाश कर रही थी। दे हैड बीन फ्लाइंग अबव द माउंटेन्स व्हेन दे स्पॉटेड द स्नोमैन। ठीक है, जब ये माउंटेन्स के पास अबव, उसके ऊपर क्या कर रहे थे, व्हेन दे स्पॉटेड द स्नोमैन, जब ये इन लोगों की तलाश कर रहे थे, तब इन्होंने वहां से क्या देखा, स्पॉटेड द स्नोमैन, छोटे छोटे स्नोमैन को देखा। कौन से स्नोमैन को, जो इन्होंने बनाए थे। ठीक है, कुड दे बी द सेवन मिसिंग पीपल, क्या हो सकते हैं, सेवन मिसिंग पीपल हो सकते हैं, इन्होंने सोचा। किसने सोचा, इंडियन आर्मी ने सोचा। दे हैड कम टू लुक, यस, आफ्टर दे फाउंड देम द हेलीकॉप्टर सून रिटर्न्ड एंड लिफ्टेड देम अप विद हेल्प ऑफ केबल। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन, फिर वो लोग जब उसको देखे तो फिर वो आए। ठीक है, किसको देखे, सेवन स्नोमैन के जो बने हुए थे बर्फ के, तो उनको देखा उन्होंने, फिर वो आए। ठीक है, आफ्टर दे फाउंड देम द हेलीकॉप्टर सून रिटर्न्ड एंड लिफ्टेड देम, और जो इन लोगों को जब पा गए, सात लोग जो थे, ठीक है, फंसे हुए थे, तो इन लोगों को क्या किया, रेस्क्यू किया। ठीक है, कैसे, लिफ्टेड देम अप विद द हेल्प ऑफ केबल, केबल, केबल एक तार होता है, उसकी सहायता से उनको ऊपर उठाया। ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर के थ्रू उसको, उन सात लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, बचा लिया। ओके, एन एक्सपर्ट फ्रॉम नेटिव इंडियंस स्टोरीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बाय पीकर नानी। ओके, ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई थी, इसकी राइटर कौन है, पीका नानी। ओके, उनका रियल नेम क्या था, उनका रियल नेम दीपिका मूर्ति है। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू डैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आप लोगों को अच्छे से जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट चिल्ड्रन, आप लोग अपना जो होमवर्क या क्लास वर्क जो भी है, आप लोग मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, तो जो लोग सेंड कर रहे हैं उनका रिपोर्ट बन रहा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका भी रिपोर्ट बनना है। ओके, एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अपना होमवर्क या क्लास वर्क जो भी है, आप लोग मेरे पर्सनल या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।